उदगीर के बागबंदी फुलेनगर क्षेत्र में एक पुराना कुआं है। चूंकि इस स्थान पर नाले का कोई आउटलेट नहीं है, कुछ स्थानों पर बारिश के पानी के कारण गाजर, घास और अन्य घासें उगी हुई हैं और यहां मच्छर और सुअर का संक्रमण बढ़ गया है। बीती रात भारी बारिश से कुएं फूट गया, जिस कारण पानी सड़क से बहकर परिसर के नागरिकों के घरों में घुस गया। गंदा नालियों का पानी घुस जाने से बागबंदी परिसर में हाहाकार मच गया है। इस क्षेत्र में भाजपा के नगर सेवक हैं और उदगीर नगर पालिका में भी भाजपा की सत्ता है। समय समय पर नगर पालिका प्रशासन को कई बार सूचित किया गया था, ये अनुरोध भी किया गया था, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में कोरोना जैसे रोग की उपस्थिति के कारण डेंगू मलेरिया के प्रकोप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रशासन को ऐसी समय पर इस पर ध्यान देना चाहिए। अंदर कमरों में चला, अंदर जा तू। अच्छे रूम में आ रहा है, क्या है रप्पा? अंदर पूरा पानी है। गैस ऊपर रखना था मशीन। हमारे आंगन में घर में वैसे पूरा पानी तमाम रात को पूरा बिस्तर का चाय मशीन हमारा थे। काल को बाहर फेंकते मतलब इतना पानी आया, अंदर भी नहीं आता हमारे घर में पानी, मगर आप इतना पानी आया रात भर भर को फेंके, रात को रात भर पानी का इशारा। ये दोनों तीनों कमरे पूरे भर गए हमारे में। अंदर पानी कम रूम आ रहा था। नगर परिषद तू कितने मरतबा गए थे? बाबा 4-5-6-7 बार गए, तो कुछ भी नहीं हुआ। नाला काटते इसका, आपको फोटो काट ले को गए, खंबा डालते इसका, सब ये करते हैं भाई। अब लॉकडाउन पड़ा है, लॉकडाउन पड़ा है, उनको ये करें। और ये औरत रहते हैं आदमी जाता 15-15 दिन, 8-8 दिन पूरे गली का पानी घर में रात से 1 बजे रात से बैठे वाले पानी की देखते। एक दिन दो दिन का पानी है ये, अभी 2-2.5 महीने पर तो मरकज पड़ते अंदर, और देखने को आदमी आज बाजू कुछ हजार पड़ोस में। कौन से पक्के घर आए सो हमारे गाँव के नाली का पानी, पूरे रोजगार का बदबू का पानी, महीने को 500 रुपए किराया बोलते, देखे देखे साल का किराया कितना जा रहा था। काम आने कुछ भी रहा, आदमी लंगड़ा, पहले मजदूर आदमी, बच्चे भी नहीं घर में देखने वाले, ऐसे एक बच्चा काली कोसों में चले जाने वाला।
Mm-hmm.